नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे बिना रजिस्टर मोबाइल ओटीपी के आप कैसे नया पीवीसी आधार कार्ड घर पर मंगवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा, जिस आधार कार्ड को हम आज घर पर मंगवाने वाले हैं उस आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं इजीली मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों से। कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना होगा, बिकॉज आगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुल टू नॉलेज में। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है uidai.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करके इजीली आप अपने मोबाइल से भी ऑर्डर कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट ऐप माई आधार में जाना है और यहाँ पे ऑर्डर आधार रीप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, बट इसे सिलेक्ट नहीं करना है बिकॉज इसे ऑर्डर करने पर आपको पुराने टाइप का आधार मिलेगा। हम इसके नीचे सेकेंड लास्ट ऑप्शन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड को चूज करेंगे, बिकॉज इसे ऑर्डर करने पर लेटेस्ट न्यू पीवीसी आधार कार्ड घर पर आएगा, जो साइज में कॉम्पैक्ट के साथ साथ काफ़ी सेफ्टी फीचर्स के साथ में मिल जाता है। इसके बाद यहां पर आधार नंबर, वर्चुअल आईडी और एनरोलमेंट आईडी तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। हम यहां पर आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे और जिस भी आधार को ऑर्डर करना है उस आधार कार्ड के 12 डिजिट्स को यहां पर डाल देंगे। और सिक्योरिटी कोड में जैसा कैप्चा इमेज में शो हो रहा है सेम टू सेम यहां पर टाइप कर देना है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, इसको सिलेक्ट करेंगे और कोई भी मोबाइल नंबर जो अवेलेबल है उसे यहां पर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर दिया था उस पर अब एक ओटीपी आएगा, वो यहां पर डालेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। यहां पर आधार प्रीव्यू शो नहीं होगा क्योंकि मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लेना चाहिए, बिकॉज इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इजीली अपडेट करा सकते हैं, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एट्सेट्रा। मोबाइल को आधार से कैसे लिंक कराते हैं इसका वीडियो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए टोटल 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा इंक्लूडिंग स्पीड पोस्ट चार्जेस, और ये सीधा आपके घर 7 to 10 वर्किंग डेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप तीन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। हम कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर डालना होगा, फिर एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और नेम ऑन द कार्ड, और इसको अनटिक करके प्रोसीड। इसके बाद पेमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए OTP डाल के सबमिट कर देना है। आप देखेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और एक SRN नंबर मीन्स सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, इसे आप कहीं पर सेव कर लें बिकॉज इसी से आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। स्टेटस चेक करने के लिए एक बार फिर से आधार वेबसाइट पर माई आधार टैब में सबसे लास्ट ऑप्शन चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस को चूज करेंगे और यहां पर कंप्लीट SRN नंबर डालने के बाद जिस आधार कार्ड को अप्लाई किया था उसके 12 डिजिट्स यहां पर डालेंगे, फिर कैप्चा सेम जैसा पिक्चर में शो हो रहा है वो टाइप करना है। इसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी इसका स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल शो हो रहा है, बट कुछ दिन बाद ये चेंज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टिल देन बी सेफ एंड कीप वॉचिंग फुल टू नॉलेज।